जी तो पहले जैसे मैंने आपको चेक कराया कि हमारी गाड़ी 1500 से ऊपर आरपीएम नहीं लेके जा रही और अब आप देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है इसमें थ्रॉटल। तो जैसे कि मैंने लाइव डाटा में आपको चेक कराया, इसी तरीके से अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम हो तो आपने भी चेक करना है। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये निसान की टिड है, इसको विरसा भी कहते हैं, टिड और विरसा, ये निसान की गाड़ी है और गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रही है। इसमें जो रेस है इसकी, ये देखें मैंने फुल प्रेस किया हुआ, इसको फुल प्रेस किया हुआ और ये देखें आप, ये रेस जी हमारी सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी ऊपर जा रही है। आप देख रहे हैं ये 1500 आरपीएम है शायद इसके, और इससे ऊपर ये आरपीएम हमारी गाड़ी नहीं ले रही। तो इस गाड़ी में चेक इंजन लाइट आ रही है, लेकिन चेक इंजन लाइट जो है वो किसी ने इसमें बंद की हुई है। आप इसमें देखेंगे तो ट्रैक्शन की लाइट ऑन है इसमें, और साथ में इसमें ये इंजन सर्विस सून का इसमें मैसेज आ रहा है। तो गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ है अपने स्कैनर पर। सबसे पहले जो इसमें एरर आ रहा है वो आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें जी, इसमें एरर हमारा जी आ रहा है P2101 फंक्शन सर्किट बैंक 1 का ये कोड है, और दूसरा इसमें देख रहे हैं जी P0507 ISC सिस्टम का ये कोड आ रहा है। तो हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ETC फंक्शन बता रहा है। तो यहाँ से आपको लाइव डाटा में लेके जाता हूँ। जो चीज़ें कोई भी गाड़ी रेस वगैरह ना ले रही हो तो जो जनरल डायग्नोस्टिक है वो आपने इसमें जाना है, इसके लाइव डाटा में। लाइव डाटा में आपने जाके आपने सबसे पहले एक्सेलरेशन पैडल जो है इसका, ये जो इसका पैडल है, ये पैडल है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपने इसके वोल्टेज चेक करने हैं। तो ये आप देखें उसमें दो सेंसर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो है हमारा पैडल उसमें दो सेंसर आते हैं। देखें एक्सेलरेशन सेंसर 1, एक्सेलरेशन सेंसर 2, ये आप देख रहे हैं, और ये 50 से ऊपर होने चाहिए, तो अभी ये नॉर्मल पर 50 से ऊपर है। देखें ये 78 बता रहा है, और अब मैं अभी फुल इसको प्रेस करता हूँ तो देखें दोनों सेंसर जो है हमारे वो प्रॉपर वोल्टेज निकाल रहे हैं, 4.09 और 4.12, यानी ये काम बराबर कर रहे हैं। इसको 5 वोल्टेज के दरमियान होना चाहिए और ये दोनों अब फुल प्रेस करने पर ये ऊपर जा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल दोनों सेंसर हमारे ओके हैं। तो अब आपने दूसरा जो काम करना है वो आपने यहाँ से इसमें देखना है कि इसकी जो थ्रॉटल की रिले है वो ऑन हो रही है या नहीं आ रही, और उसकी जो पोजीशन वगैरह वो आपके रेस देने से ऊपर नीचे जा रही है या नहीं जा रही। तो यहाँ से मैं जी आपको इसकी थ्रॉटल की रिले देखें, थ्रॉटल रिले ऑफ, यहाँ से थ्रॉटल रिले ऑफ आ रही है हमारी, ये आप देखें थ्रॉटल रिले ऑफ, और ये TP सेंसर और ये TP सेंसर 2 है, दो ही सेंसर इसके थ्रॉटल में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल में। तो ये देखें मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, अभी फुल प्रेस है, अभी मैंने इसको फुल प्रेस किया हुआ है, ये फुल देखेंगे तो फुल प्रेस है इसमें, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा रिले इसकी ऑफ है और इसके 5 वोल्ट तक यानी ये बढ़ नहीं रहे, ये देख रहे हैं ये इसमें 5 वोल्ट तक जाने चाहिए लेकिन ये नहीं जा रहे, और ये आप देखेंगे थ्रॉटल हमारी ऑफ आ रही है। तो इस फॉल्ट में, इस फॉल्ट को इस वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। आप चैनल पर अगर पहली दफ़ा तो कुछ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी जो है एंड तक देखा करें, क्योंकि बहुत से दोस्त जो है वो दोबारा वही क्वेश्चन करते हैं जो मैं पहले वीडियो में बता चुका होता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि जो वीडियो में आपको स्टेप बताए जाते हैं तो उसको आप फॉलो करें इंशाल्लाह। कोई भी गाड़ी हो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि अगर आप किसी भी गाड़ी पर काम कर रहे हैं, ये निशान नहीं है, कोई भी गाड़ी आपका काम कर रहे हैं, तो उसको जनरल डायग्नोस्टिक बताता हूँ ताकि आप ईजीली हर गाड़ी पर उसको टेस्ट कर सकें, हर गाड़ी पर उस तरीके से काम कर सकें। तो अभी ये स्टेप वाइज चेक करते हैं इसको, इसके रिले चेक करते हैं क्यों नहीं ऑफ हो रही, इसका फ्यूज़, इसकी डायग्राम इंशाल्लाह आपके साथ ये शेयर करता हूँ मैं। ये वायरिंग है, इसकी वायरिंग मैंने निकाल दी है इसमें, ये आप देखेंगे तो 2012 मॉडल ये निसान वर्सा हैचबैक इधर आ रहा है, 1.8 इंजन है, MR18DE इसमें इंजन है, और ये जी इस पर देखेंगे IPDM इंटेलिजेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। तो ये बैटरी से आ रहा है जी, इसमें इसका जो 52 नंबर फ्यूज़ है, 15 एम्पीयर का ये फ्यूज़ है। आगे इसमें देख रहे हैं ये थ्रॉटल कंट्रोल मोटर रिले है, ये दो वायरें मोटर रिले की तरफ जा रही हैं, ये देख रहे हैं ये रिले इसकी ऑन होती है इसमें जाके, और ये इसकी जाती है ECM में, ये आप देखेंगे तो ECM में F10 ग्रिप है जो इसमें इसकी जा रही हैं दोनों वायरें। तो ये रिले सबसे पहले ऑन होगी, रिले एक में जाएगा सिग्नल तो इसको रिले पहले ऑन कराएगा, रिले जब ऑन कराएगा तो कंप्यूटर में इसमें आएगी वायर, और ये दोनों वायरें जो है आप देख रहे हैं ये इसकी करंट की, दोनों मोटर 1 और मोटर 2 इसमें, ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल एक्चुएटर मोटर है, तो इसमें ये दोनों जाएंगी वायरें। तो अब हम इसका फ्यूज़ और ये इसमें रिले वगैरह इसकी चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारी थ्रॉटल में प्रॉब्लम है, वायरिंग में है, या किस जगह पे है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये इसकी वायरिंग थी, ये इसके ग्रिप है, ये इसका F10 ग्रिप है, ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर का, ये आप देख रहे हैं जी ये हमारा IPDM का FW ग्रिप है इसमें, और ये जो आप देख रहे हैं ये शायद रिले का इसका IPDM का सॉरी, तो ये दोनों ग्रिप इसके ही हैं। तो अभी चेक करते हैं जी इसका फ्यूज़ और रिले जी। तो ये डायग्राम के मुताबिक आपको इसका पहले फ्यूज़ चेक करा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें उसमें एफ
52 बता रहा था, ये आप देखेंगे तो ये हमारा 15 पेयर का फ्यूज़ ECT का है, ये आप देखेंगे 24 नंबर F14, ये आप देखेंगे तो ये 15 पेयर का फ्यूज़ है और ये जनाब इसमें ये फ्यूज़ इसका ओके है। और ये इसकी रिलेज लगी हुई है सारी, तो कस्टमर ने पहले ये इसकी रिलेज चेंज कराई हुई है, ये इसकी पड़ी हुई है पहले वाली। तो अब हम ये इसका रहने देते हैं और इसकी जो है वो थ्रॉटल जो है वो ओपन करते हैं जी और चेक करते हैं उसको जी। तो गाड़ी की मैंने थ्रॉटल लगा दी है, ये आप देख रहे हैं इसकी RPM और अभी मैं रेस दे रहा हूँ तो रेस इसमें पूरी आप गाड़ी ले रही है। अभी आपको लाइव डाटा में इसकी थ्रॉटल की रिले वगैरह और करंट वगैरह वो आपको चेक करा देते हो। देखें जी यहाँ से अगर आपके थ्रॉटल में भी प्रॉब्लम होगी तो थ्रॉटल की रिले वगैरह जो है वो ऑन नहीं होगी। तो यहाँ से मैं आपको ये देखें जी थ्रॉटल रिले ऑन है और ये इसके TP सेंसर, ये आप देख रहे हैं जब ये रेस देने से ये हमारे दोनों काम कर रहे हैं, पहले ये बिल्कुल स्टक थे। तो अगर आपके साथ भी इशू आए तो जो चीज़ें मैंने आपको स्टेप वाइज गाइड की हैं, इसकी वायरिंग डायग्राम, इसमें इसका फ्यूज़ और बाद में जो चीज़ आपके बचती है वो थ्रॉटल और कंप्यूटर है। थ्रॉटल आपने चेंज करनी है और बाद में उसकी कंप्यूटर की अगर वायरिंग में प्रॉब्लम हो, आपको लगे कि कंप्यूटर की वायरिंग में प्रॉब्लम है तो आपने वो भी उसकी वायरिंग भी लाजमी तौर पर चेक करनी है। तो अभी मैं रोड टेस्ट पर हूँ और ये आप गाड़ी देख रहे हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुकी है जी गाड़ी हमारी और ये आप बिल्कुल गाड़ी क्लियर हो चुकी है हमारी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अपनी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।